हेलो मम्मी। अरे मम्मी मैं ये बोल रहा था यार शादी को क्या। अरे मैं बोल रहा हूँ शादियों का सीजन चल रहा है, मेरी भी शादी करवा दो यार। अरे यार मैं मम्मी ये सब बंद बोला करो, इतने मैं मेरे यार दोस्त सबकी शादी हो गई, पता है जब भी जहाँ से जिस भी गली से निकलो ना, जब देखो बैंड बाजे बज रहे हैं शादियों के, हर जगह शादियाँ देख रहा हूँ, तो मुझे ना अपने ऊपर गुस्सा हो रहा है। तो देख लो कोई लड़की मेरे लिए भी, मेरे को भी शादी करने का मन कर रहा है। मम्मी ठंड भी हो गई है, सब हर जगह शादियाँ हो रही हैं, अभी मेट्रो से भी आ रहा था, नीचे भी शादी हो रही थी, अब मेरी कब कराओगे। अरे वो रिश्ता यार, मम्मी कैसी बात कर रहे हो, लड़की आपने देखी थी, लड़की कम से कम ऐसी हो, मतलब क्या बोलो आप, तो कैसा रिश्ता दे बोलो उससे, थोड़ी करूँगा, लड़की ऐसी होनी चाहिए देखते, मतलब ना प्यार सा हो जाए। आप समझ मम्मी, मैं बाद में बात करूँगा आपको, आपसे ना थोड़ा बाद में, अरे बाद में बात करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा? हाँ जी सोनी, सोनी नाम है। सोनी, काश मैं आपका महिवाल बन सकता है। मैं वो सोनी मही, क्या सोनी महिपाल क्या होता है वो, एक मैंने वीडियो, मतलब मैंने कुछ सुना था जैसे हीर का नांजा होता है, है ना, वैसे सोनी का महिपाल कौन होता है, महिवाल कुछ ऐसा होता है। एक्चुअली ना शादियों का सीज़न चल रहा है, आपको पता ही होगा, तो मैं ना मैं मम्मी को कब से बोल रहा हूँ कि मेरी शादी करा दो, शादी करा दो, तो रिश्ते जो भी आते हैं ना मेरे को लड़की पसंद ही नहीं आती एकदम से, मतलब देखते ही पसंद नहीं आती एकदम से, आपको देखा ना तो एकदम से मैं देखता रह गया, ऐसी कोई लड़की नहीं मिल रही मेरे को। हाँ आप में क्या कुछ जादू वादू है कि क्या है, आपको देखा एकदम से मेरी फ़ोन ही काट दिया मम्मी का, मतलब बहुत क्यूट से लग रहा था। थैंक यू नहीं, मतलब आई लव यू टू बोलते तो सॉरी, मतलब नहीं, मतलब एक्चुअली ना मेरे को ना बहुत अच्छे लगे आप, जैसे मैं मम्मी से बोल रहा हूँ शादी कराने की, तो आप क्या ये आपकी एज कितने हैं? 21 तो बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। एक्चुअली ना मैं शादी के लिए लड़की ढूंढा था, मम्मी तो ढूंढ नहीं पा रही, मेरे को लग रहा मैं ही ढूंढ लूँ, तो आप ना बड़े क्यूट से लग रहे हो, तो मतलब क्या आप रिलेशनशिप में अगर हो किसी के साथ? नहीं नहीं हो, मुझे शर्म आ रही है, मम्मी तो शॉक्ड हो जाएगी यार, मम्मी तो ढूंढ ही नहीं पा रही है ना, आप जैसी ना लड़की चाहिए यार शादी के लिए, क्या करूँ पता है क्या, बहुत दिक्कत होती है ये मेट्रो जाने के पीछे ना, मेरे को दिल में दर्द होता है पता है आपको, मैं ना ठंड इतनी हो गई है, सबकी शादियाँ हो रही है, जब देखो शादियाँ कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर पा रहा, मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई पता है आपको। अच्छा, तो आपकी तो वैसे शादी, मतलब आप नहीं करना चाहते कि शादी, आपको मन नहीं करता शादी करने, क्यों? शादी बर्बादी होती है, शादी बर्बादी होती है यार, ये तो मैंने भी सुना था, शादी जो करे शादी हो बर्बादी, ना कर शादी, तो सच में ऐसा होता है क्या? मेरे हिसाब से तो शादी बर्बादी है, शादी बर्बादी है, तो फिर भी मन तो करता ही होगा कि शादी करूँ, तो आपको मन नहीं करता कि शादी करूँ, मतलब हनीमून, मतलब वैसे हनीमून पे जाओ या हस्बैंड के साथ घूमो, मतलब ऐसे शादी करने के बहुत सारी रस्में होती है ना, तो मन नहीं करता क्या आपका? नहीं ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं है। सोचो ना फिर, तो आप एक्चुअली ना ऐसे, मतलब कोई अच्छा सा, मतलब आपकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और आपने बनाया नहीं, वो सब करके छोड़ चुकी हूँ मैं। अच्छा आप छोड़ भी चुकी हो, क्यों आप, मतलब मन नहीं करता आपका रिलेशनशिप में आओ किसी क्यूट से लड़की के साथ, मतलब मैं आपने नहीं बोला, अरे अपना नहीं बोला एक्चुअली, जैसे आप अगर मतलब सपोज करो कि अब एकदम से यार मैं तो शॉक्ड हो गया आपको देख के ना एकदम से, मुझे अगर मान लो आपका प्यार हो, जैसे आपको घर पर लेके जाना हो, मम्मी मम्मी से मिलवाना हो, तो आपकी मम्मी से भी मिलना हो, तो वैसे हो सकता है ऐसा, ट्राई करो क्या पता हो जाए। अरे यार एसके द सेलिब्रिटी फेस नाम है, तेरी लीला अपरंपार नाम है, मतलब प्यार से मैं एसके द सेलिब्रिटी फेस बोलते हैं, छोटा सा सेलिब्रिटी हूँ ना मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार आपसे मिलके, मतलब इतने आसान होता है मुझे नहीं पता था, फिर तो मम्मी पागल हो रही है मेरे, इतने सालों से मंदिरों में भी नाम लिखवा के कोई लड़की मिल जाए, तो इससे ज़्यादा मैं ही ढूंढ ली मैंने, मतलब मुझे आप मिल गए, अगर मैं ट्राई करूँगा तो आप शादी के लिए भी हाँ बोल दो मुझे लग रहा है ना, लेकिन एकदम से शादी करना सही नहीं है ना, पहले मिलना चाहिए ना। अच्छा हाँ अच्छा। तो मुझे पता नहीं क्यों आपके अच्छे लग रहे हैं दांत। ओह दांत भी अच्छे लग रहे हैं, मतलब आप पूरी पूरी अच्छी लग रहे हो ना मुझे एकदम से, स्माइल आपकी बहुत प्यारी है, मतलब मैंने एकदम से यूँ देखा ना तो देखता रह गया, ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है ऐसा, वही गया है आपको देखते देखता रह गया ना,
मतलब आपने बिना मेकअप, आपने ना कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल भी मेकअप नहीं करा, फिर भी आप इतने अच्छे लग रहे हो, पता है मेरे दिल को, और मुझे तो लग ही रहे हो। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ ना, इससे अगर आपको जैसे अगर प्रपोज करना हो या फिर प्रपोज तो नहीं होना, जैसे आपके साथ क्योंकि आप मेरे साथ घूमोगे फिरोगे, हो सकता है आपको खुद ही प्यार हो जाए, अभी तो होगा नहीं, एकदम से प्यार नहीं होता ना, मैंने सुना, लेकिन पहली नज़र में हो भी जाता है, बहुत बोल रहा हूँ ना मैं, मेरे को लग रहा है इसलिए लड़की नहीं मिल रही मेरे को, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या मैं, आप नहीं बोलते नहीं, इतना एफर्ट लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, मतलब लगाना पड़ता है एफर्ट, अगर जैसे किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो, किसी लड़की को, किसी लड़की को, मतलब जैसे आपको भी अगर मेरे को इम्प्रेस करना हो तो क्या करूँ थोड़ा सा, नहीं मैं इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होने वाली, इतनी जल्दी इम्प्रेस होने की लड़की पसंद भी नहीं आती है, देखो आपको ना मैं एफर्ट लगाना चाहिए, मतलब मैं आपको लगाना चाहता हूँ, घुमाऊँ फिराऊँ आपके लिए अपने, मतलब सब कुछ करूँ आपके लिए, जो आप खुश हो जाओ, जैसे आपके चेहरे पर स्माइल आ सके, जैसे कि आप इतनी सुंदर हो, मैंने जैसे बोला आपके लिए गाना गाऊँ कुछ भी करूँ, आप फ्लर्ट भी कर रहे हो, रिश्ता भी कर रहे हो, रिश्ता तो हमारा हो गया एक्चुअली, हो गया मतलब मेरे अंदर से हो गया ना, मैंने मैंने आपको देखा, प्यार हुआ, शादी मैंने अंदर कर ली, बेबी बच्चे में हाँ हमारी हो गई, लेकिन अब आपको भी तो करना पड़ेगा ना, मतलब आपको मैं इम्प्रेस करूँगा, आपको घुमाने ले जाऊँगा, तभी तो आप मानोगे, इतनी जल्दी तो आप भी नहीं मानोगे है ना, तो मतलब कि कुछ अपने बारे में बता सकते हो आप कि कहाँ रहते हो, मैं आपसे मिलूँ तो कैसे मिलूँ, क्योंकि एकदम से आप मिलके बात करो तो मुझे अच्छा लग रहा है बड़ा, इतनी जल्दी कोई लड़की बात नहीं करती ना, आप ऐसे में बड़ा बोलना चाहते हैं, लेकिन यार मेरे को बुरा लगेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझसे बात करो, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं मम्मी को बता भी दूँगा अगर आप बोले तो। हेलो मम्मी, अरे आप रहने दो, आपके बस की कुछ नहीं है, आप ना घर के काम करो और इधर उधर की चुगलियाँ करते रहो, ठीक है, आप पता नहीं कैसी कैसी लड़कियाँ ढूंढो, दिमाग खराब हो जाता है देख के, फिर मेरा मन नहीं करता शादी से, वो लड़की सही बोल रही है, सोनी, सोनी अरे आपकी बहू सोनी भाऊ, हाँ मैंने ढूंढ ली और शादी कर रहा हूँ मैं, उसको मुझसे प्यार हो गया, वो बताने की बात अलग है, वो हंस रही है अभी थोड़ा सा ना, छुपा रही है मेरे प्यार को ना, वो मैं मना, यार आप ना अपनी, यार आपके तो आप फोन रख दो, आप तो पता नहीं क्या एंट्री करवाऊँगी घर में, तो स्वागत कराऊँगी, अभी रख दो, मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ फिर बता दूँगा आपको, मैंने घर पर बता दिया, वैसे ना मम्मी खुश है, तेरी सोनी नाम की लड़की ढूंढ रही थी मैं मंदिर में, बता रहे थे कि सोनी नाम की लड़की मिलेगी मेरे को, अब थोड़ा सा तो बताओ, आपके लिए फूल भी नहीं लेके आया कि मैं प्रपोज करूँ, मुझे क्या पता था आप मिल जाओगे मेरे को, अच्छा हाँ, तो मतलब आपके लाइफ में लड़का आया ही नहीं कोई, मेरे लाइफ में लड़का आया ही नहीं, आ तो गया मैं ऐसे का सेलिब्रिटी फेस, मैं भी लड़का ही तो हूँ, हाँ तो बस मैं अब आपके लिए क्या कर सकता हूँ ऐसा जो आपको अच्छा लगे, अब मतलब ऐसे पहले नज़र में होता नहीं, बट हो जाएगा धीरे धीरे, आपको प्यार मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों यार आप अच्छे लग रहे मेरे दिल को ना, तो मैं चाहता हूँ यार कि आपके साथ मैं रिलेशन को आगे तक लेके जाऊँ, शादी तक है ना, हम घूमने भी चलेंगे, पता है आपको मनाली चलेंगे, जहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती वहाँ पे चलेंगे, हम घूमेंगे हाथ पे हाथ पकड़ के, ठंड लगेगी हाँ लेकिन वो अच्छा लगेगा वहाँ पे ना, मेरा सपना है कि अपनी बीवी के साथ जाऊँ, जिससे शादी हो मनाली, तो अब तो आप ही होगी ना मेरी बीवी, या पहले गर्लफ्रेंड बन हो जाए, शादी नहीं करेंगे ना हम, पहले घूमेंगे, हम वो रिलेशनशिप में रहेंगे ना, जब आपको मुझसे अच्छा वाला प्यार हो जाएगा ना, शिद्दत वाला प्यार, तब शादी कर लेना, आप मुझे देखो मैं सही लग भी रहा हूँ या नहीं लग रहा है, आप ऐसे बोले जा रहा हूँ मैं, नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, तारीफ कर दे, लड़की तारीफ नहीं करती मेरी, मैं ही करता रहता हूँ, मैं करती हूँ ना, करो करो करो, बहुत हैंडसम हो, आप किसी लड़की से ऐसी बातें करोगे तो बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो जाएगी वो, तो किसके लिए जो भी आपका गर्लफ्रेंड बनना है ना, यार बाकी तो बाकी बात की बात है, मतलब मैं ठीक लग रहा हूँ, किसी लड़की को प्रपोज करूँगा तो मान जाएगी, तो मतलब अभी आपको फ्रेंडशिप के लिए विल यू फ्रेंडशिप विद फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप फ्रेंड वाला फ्रेंडशिप, नहीं फ्रेंड वाला ही फ्रेंडशिप होता है, नहीं हाँ ठीक है चलो, वो वाला नहीं, फैन विद बेनिफिट वाला फ्रेंडशिप वाला, आपकी उंगलियाँ कितनी छोटी छोटी हैं, सो वी आर गुड फ्रेंड, इंग्लिश में बोला जा रहा हिंदी में बोल देता हूँ, अभी हम फ्रेंड हैं, आगे जाके मैं आपको गर्लफ्रेंड बना लूँगा, अब ये मैं वादा करता हूँ आपसे, क्योंकि आपकी ख्वाहिशों को पूरी करूँगा ना, आप बोलोगे मेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाओ, मैं चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मैं आपके लिए गाना भी गा सकता हूँ, आपको अपनी गंदी आवाज़ में बिल्कुल सुनूंगी, सुनोगे बताओ कौन सा गाना हो जो आप गा सको, थोड़ा सा बता दो ना यार आपको किस टाइप का पसंद है,
रोमांटिक यार कुछ ऐसा थोड़ा सा आप बताओ गाना। मैंने मेरा जब भी गाता ना एक ही गाना निकलता है, वो इमरान हाशमी वाले गाने निकलते हैं, वो भी अच्छे हैं बट, लेकिन आप बताओ आप कौन सा सही लगा, थोड़ा सा बताओ, मैं कोशिश करूँगा गाने की। और आवाज़ बहुत गंदी है मैं पहले, हाँ बताओ पहले तो थोड़े दो मिनट मुझे देखने दो यार, आपकी आँखों में मुझे देखते रहो दो मिनट बस दो मिनट देख लो मेरी आँखों में ना, मैं आपको आँखों से आके पढ़ना चाहता हूँ कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे मुझसे, आप मेरे साथ मतलब मजाक तो नहीं कर रहे ना, तो मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी। और आपका पजामा अच्छा लग रहा है क्या, ये पजामा है पैंट है जो भी अच्छी लग रही है? अच्छा ठीक है, नहीं मेरे से नहीं देखा जाएगा, आपको भी देखा जा रहा आपसे, चलो मुझे तो देखने तो आप मत देखना, तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, आगे क्या था, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, अब सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इंतहा भी नाले मेरे, हाथ मिलाना होता है जो भी आपकी मंजिल है वो मेरी है। अच्छा आपका घर है ना, घर के बाहर तक ही छोड़ के आना है मेरे को, वही मेरी मंजिल है। हाँ फिर आपको वहाँ पे कुछ खिलाना भी है? हाँ खिला सकते हैं, भूख क्या क्या खाना है, भूख लग रही है आपको, क्या खाओगे, क्या खिला सकते हो आप? मैं आपको अभी दिल काट के अपना वो निकाल दूँ, दिल काटना है काटो भी, नहीं दिल खाना नहीं, दिल आपको संभाल के रखना है इसलिए दिल मत खाना मेरा, आपको खाना क्या बताओ, आप इतने क्यूट हो आपको तो कुछ भी खिला दूंगा मैं, बताओ आप झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे, ये फंस गए। बीच में वो भी आएंगे ना, क्या बोलते हैं गुरुद्वारा आता है, वो शादी कर ले वहाँ चल के, अगर आपको यकीन ना रहा दादी तो इतनी खूबसूरत है, अच्छा। दीदार पे तेरे मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे तेरे कदमों में, आ झुके हंसी लम्हा तो दे दे तेरे बिन, अभी कौन सा स्टेशन आ गया, कौन सा स्टेशन है आ गया क्या वाला स्टेशन, ले जाओ यार मुझे, कौन सा स्टेशन है यार, क्या हुआ कहीं मैं आगे तो नहीं, मेरे प्यार में आगे तो नहीं आ गया